राम राम सा खमागणी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आप सोच रहे होंगे कि मैं राम राम सा खमागणी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो राजस्थान में इस्तेमाल होता है। तो लेकिन क्या है, आज हमारे पास राजस्थानी स्नैक्स का पार्सल आया है, तो आज हम आपको खा के टेस्ट करके बताएंगे कैसा कैसा टेस्ट है और कौन सी चीज़ कैसी है। तो भाई सबसे पहले तो अपन तो ये सब है अपने पास, तो ये तो सब जानते होंगे, राजस्थानी फेमस प्याज की कचौरी। देखिए इसका साइज। और उसके बाद ये है अपनी दाल, ये है भुजिया, ये है काजू कतली। देखिए काजू कतली थोड़ी अलग है, ये है अपने सालासर के लड्डू, ये है अपनी दाल की बर्फी, और ये है अपना पेड़ा, और ये है अपनी भाई चिक्की गजक गजक। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई मीठे से। पहले तो ये है भाई अपना सबसे पहले लड्डू। आहा हा, तो ये तो वैसे भी प्रसाद है, लेकिन इनका स्वाद तो घी में डूबा हुआ मीठा इलायची, क्या स्वाद आ रहा है इसका खा के। ओहो, डूब जाओगे आप खाओगे तो। उसके बाद दूसरी चीज ये है काजू कतली। तो जनरली जो अपन ने काजू कतली देखते हैं अपन, वो पतली सी होती है, मतलब इसकी तीन बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए ये तो एक कितनी मोटी है। तो कितना काजू और कितना मजा आने वाला है इसको खा के। तो एक बाइट में तीन काजू कतली, उसके बाद कितनी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है भाई, मतलब स्वाद ही स्वाद है। तो फिर आता है अपना ये पेड़ा, देखिए स्टाइलिश में कहाँ का फेमस है चिड़ावे का। चिड़ावा का फेमस पेड़ा है ये, तो आप कभी जाओ तो जरूर खरीदना ये। तो खोआ बना रखा है पूरा, मतलब स्वाद बिल्कुल परफेक्ट, मीठा ना ज्यादा ना कम, खोए जैसा टेस्ट, और ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसमें, तो उसका भी टेस्ट आ रहा है, तो स्वाद है। ये अपनी बर्फी भाई, ये देखिए इसका साइज भी डबल है, किसका बनाई है? ये दाल की बर्फी लग रही है, देखिए इसको साइज में, और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स की कोटिंग है थोड़ी बहुत। तो आपने कभी दाल का हलवा खाया होगा, मूंग दाल का हलवा जो घर पे बनाते हैं जनरली दिवाली पे शादी शुदियों में, तो वैसा ही टेस्ट है। लेकिन इन चीज़ों की देखो, जितना ही मीठा खाया ना मैंने, इनकी एक जो खासियत है कुछ ज़्यादा और मीठा नहीं है कि भाई आदमी से खाया ना जाए, बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, परफेक्ट। तो बात है भाई नमकीन पे, ये तो अपनी मूंग दाल चना दाल जो बचपन में खाता था मैं, जिसमें नींबू टमाटर प्याज डाल के हैं, और अभी खाई है। ये तो अपनी नॉर्मल जो होती है, मतलब टेस्ट वाली अच्छी है, ज़्यादा नमक नहीं है, मतलब परफेक्ट है। ये आती है फिर अपनी भुजिया, क्रिस्पीनेस बिल्कुल एक द पॉइंट पे है, बिल्कुल वो काली मिर्च का टेस्ट आ रहा है, आप खाओगे तो पता चल जाएगा आपको, बिल्कुल परफेक्ट है ये भी। तो और अब ये है भाई सबकी पसंदीदा, कोई भी जाता है तो कहता भाई जयपुर की कचौड़ी, राजस्थान की कचौड़ी, तो ये है अपनी प्याज की कचौड़ी। तो इसको देखिए तोड़ के बताते हैं, पहले इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, और ये देखिए, देखो एक अच्छी कचौड़ी की चीज़ तो पहले ही पता चल जाता है, बिल्कुल कोने कोने तक ये पूरी फील्ड है, मैंने कोना ही तोड़ा है इसका, और इसमें भी इसका मसाला आ गया है, मतलब कितनी अच्छी है ये, मतलब बनाने में टेस्ट का अलग बताते हैं। हींग की स्मेल आ रही है, प्याज का टेस्ट है, दाल का टेस्ट है, क्या कॉम्बो है, मतलब वो तेल में फ्राई किया हुआ है, और मतलब आदमी तो खाता ही रहे, मतलब कितने भी खा सकते हो। अब आ गए भाई अपनी गजक पे। हम गजक देखो जनरली जो अपन ने देखी है,
या तो वह इसकी मूंगफली की होती है या फिर तिल की होती है, लेकिन इस टाइप की गज्जक आपने इस कॉम्बो में नहीं देखी होगी शायद, तिल और मूंगफली साथ में। ये भी स्वाद है। जनरली जो तिल की गज्जक अपन खाते हैं तो उसका टेस्ट पहले आ रहा है, मतलब क्योंकि तिल शायद ज्यादा क्वांटिटी में है, उसके बाद पीनट का आ रहा है, तो मतलब ये भी आप खाओगे तो मजा आ जाएगा। और ना मीठी, ना मुंह में चिपचिपापन हो रहा है, ना ये कि भाई खाने के बाद अरे यार मुंह में वो चिपका रह गया, ऐसा कुछ नहीं है, स्वाद है। तो आप कभी जाओ तो राजस्थान जयपुर तो ये सब चीज़ें जरूर खाना, आपको मजा आ जाएगा ये सब खा के, आपका भी मन ललचा गया होगा मुझे देखते हुए। ठीक है, तो हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। खमागणी, राम राम सा।